हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे सिक्स सीटर एमपीवी के बारे में, मारुति सुजुकी XL6 फर्स्ट जनरेशन मॉडल। आप ये देख रहे हैं, आता है सिंगल इंजन ऑप्शन के साथ। यहाँ मिलता है आपको 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड K15B पेट्रोल इंजन, जो आता है 4 स्पीड ऑटोमेटिक या 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। यहाँ मिल जाते हैं आपको टोटल 4 वेरियंट्स। शुरू होता है 11,35,000 रुपये से लेकर 13,60,000 रुपये तक ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली। ये जो आप सामने वेरियंट देख रहे हैं, जीटा मैनुअल वेरियंट, जो पड़ेगा आपको 11,35,000 रुपये का, एंड ऑटोमेटिक में पड़ेगा 12,80,000 रुपये का। फ्रंट प्रोफाइल मिलती है आपको एग्रेसिव लुक्स के साथ XL6 में, और यहाँ मिलता है आपको स्वीपिंग क्रॉस बार क्रोम गार्निश का डिजाइन फ्रंट ग्रिल पे। पीछे मिलता है आपको सुजुकी का लोगो, कुछ ऐसी दिखती है इसकी फ्रंट ग्रिल। और इधर मिल जाते हैं आपको क्वाड चैम्बर LED रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स, टोटल 4 मिलेंगे आपको। 2 मिलेंगे आपको हाई बीम के लिए, 2 मिलेंगे आपको लो बीम के लिए। यहाँ पे मिलता है आपको टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पे है LED DRL का फीचर क्रोम एलिमेंट के साथ, जो आपको इधर भी देखने को मिल जाएगा। LED फ्रंट फॉग लैंप्स का फीचर मिलता है आपको इधर क्रोम एलिमेंट के साथ। ये इसका टोइंग हुक, सिल्वर कलर की स्केट प्लेट मिलती है आपको फ्रंट बम्पर पे, और कुछ ऐसा दिखता है इसका फ्रंट प्रोफाइल लुक। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो XL6 में मिलता है आपको मैक पियर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग का सस्पेंशन फ्रंट सेक्शन में, एंड रियर सेक्शन मिलता है आपको टॉर्शन बीम विद कॉइल स्प्रिंग का सस्पेंशन। अंडर इंजन कवर का फीचर नहीं मिलता आपको इधर, और यहाँ मिल जाते हैं आपको 2 वॉशर्स 2 वाइपर्स के साथ, और कुछ इतने साइज की मिलती है आपको इसकी फ्रंट विंडशील्ड। फ्रंट सेक्शन मिलता है आपको इसका रूफ एंटीना, इधर मिल जाती है आपको फंक्शनल रूफ रेल्स सिल्वर कलर में। बी पिलर मिलता है आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ। ए पिलर मिलेगा आपको बॉडी कलर्ड ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में, मिलता है आपको इसका ORVM LED टर्न इंडिकेटर के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको कुछ ऐसा डिजाइन एलिमेंट मैट ब्लैक फिनिश में, और इधर मिलते हैं आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स 15 इंच में, चाहे आप टॉप वेरिएंट लें या जीटा वेरिएंट जो आप सामने देख रहे हैं, 15 इंच के मिलते हैं आपको। पीछे मिलता है आपको सुजुकी का लोगो, आप देख सकते हैं। एंड टायर प्रोफाइल मिलेगा आपको 185/65 R15 रेडियल ट्यूबलेस टायर, बिग व्हील आर्चेस मिलते हैं आपको, आप देख सकते हैं। साइड अंडर बॉडी एंड साइड बॉडी क्लैडिंग का भी फीचर है। सिल्वर फिनिश मिलती है आपको साइड क्लैडिंग। फ्रंट में डिस्क एंड रेयर में ड्रम ब्रेक्स का फीचर मिलता है आपको XL6 गाड़ी में। फ्रंट इंजन एंड फ्रंट व्हील ड्राइव लेआउट मिलता है आपको इधर। 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। 5.2 मीटर्स मिलता है आपको टर्निंग रेडियस। कर्व वेट है 1180 किलो का एंड ग्रॉस वेट है 1730 किलो का। और यहाँ मिल जाते हैं आपको क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल्स। स्मार्ट एंट्री सिस्टम का फीचर मिलता है आपको। सेंसर मिलेगा आपको दोनों फ्रंट टू डोर्स पे। मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है आपको BNC पिलर। डी पिलर मिलता है आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। और कुछ ऐसा दिखता है इसका साइड प्रोफाइल लुक XL6 का। डायमेंशन की बात करें तो लेंथ मिलती है आपको 4445 mm, वेट है 1775 mm, हाइट है 1700 एंड व्हील बेस है 2740 mm का। अर्टिगा से कंपेयर करें तो लेंथ आपको यहाँ पे 50 mm ज़्यादा मिलेगी, वेट आपको 40 mm ज़्यादा मिलेगी, और हाइट भी आपको 10 mm ज़्यादा मिलेगी XL6 गाड़ी में। व्हील बेस मिलता है आपको सेम, तो डायमेंशन आपको मिलती है ज़्यादा XL6 गाड़ी में एज कम्पेयर टू अर्टिगा। अर्टिगा ने XL6 के रिव्यूज आपको मिल जाएंगे ऊपर आई बटन से अंडर मारुति सुजुकी रिव्यूज। एंड इस मॉडल के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ मिलते हैं आपको ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्ट, ISOFIX, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर लैंप विद बजर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, फ्रंट सीट बेल्ट्स विद प्री टेंशनर एंड फोर्स लिमिटर्स, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन कंप्लायंस, फ्रंटल ऑफसेट, फुल फ्रंटल साइड इंपैक्ट कंप्लायंस, सेंटर लॉकिंग विद स्मार्ट एंट्री सिस्टम, सिक्योरिटी अलार्म, इंजन इमोबिलाइजर, रियर डोर चाइल्ड सेफ्टी लॉक, डोर अजार, हेडलैम्प ऑन, लो फ्यूल लेवल एंड की ऑफ वार्निंग इंडिकेटर्स, जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको इधर। एंड ऑटोमेटिक के साथ आपको ESP विद हिल होल्ड असिस्ट का फीचर मिलता है, जो मैनुअल के साथ नहीं मिलेगा। एंड टॉप वेरिएंट के साथ आपको 2 एडिशनल सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, ऑटो हेडलैम्प्स एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा। और ये है इसका रियर प्रोफाइल लुक। सुजुकी के टेक बॉडी स्ट्रक्चर पे बनती है XL6। टेक स्टैंड फॉर टोटल इफेक्टिव कंट्रोल टेक्नोलॉजी। और इधर मिलती है आपको XL6 की बैजिंग लेफ्ट हैंड साइड पे। बीच में मिलता है आपको सुजुकी का लोगो। टेलगेट अप्लिक मिलती है आपको क्रोम गार्निश पे, और यहाँ पे मिलता है आपको पियानो ब्लैक फिनिश इस टेलगेट पे। यहाँ पे मिलेगी आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग राइट हैंड साइड पे, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, वॉशर, और ये हाई माउंट स्टॉप लैंप जो मिलता है आपको LED में। स्पॉइलर आप एसेसरी में लगवा सकते हैं। और इधर मिलता है आपको 3D LED टेल लैंप्स का फीचर लाइट गाइड फीचर के साथ, जो अर्टिगा गाड़ी में देखने को नहीं मिलता। और ये टेल लाइट्स लगते हैं काफी ज्यादा शानदार ऑन होने के बाद। यहाँ पे मिलता है आपको रिफ्लेक्टर का फीचर एंड रियर बंपर पे मिल जाते हैं आपको टोटल 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। ये है राइट हैंड साइड का रिफ्लेक्टर। ड्यूल डोर में मिलता है आपको इसका रियर बम्पर लाइक फ्रंट बम्पर, और यहाँ पे भी आपको सिल्वर स्केट प्लेट का फीचर देखने को मिल जाएगा, जो आपको फ्रंट बम्पर एंड साइड क्लैडिंग पे भी देखने को मिल रहा था। यहाँ पे मिलता है आपको इसका टोइंग हुक। राइट हैंड साइड पे मिलता है आपको इसका एग्जॉस्ट पाइप, और इधर मिलेगा आपको इसका स्पेयर टायर, जो मिलता है आपको स्टील व्हील में 15 इंच का ही मिलेगा आपको। आइए इसका बूट खोल के देखते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन। इधर मिल जाता है आपको 209 लीटर्स का बूट स्पेस।
मारुति सुजुकी एक्सेल 6 गाड़ी में लाइक अर्टिगा। लोडिंग लिप की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच मिलती है आपको, आप देख सकते हैं। स्प्लिट टाइप लगेज पोर्ट का फीचर मिलता है आपको इधर एक्सेल 6 गाड़ी में, इधर भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, ऐसे ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस मिल जाता है आपको इस 6 सीटर गाड़ी में। और यहाँ मिल जाती है आपको टूल किट, इधर से आप इसको ऐसे बंद कर सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको तीनों रोज में, एंड थर्ड रो को आप 50-50 फोल्ड डाउन भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इससे मिल जाता है आपको 550 लीटर्स का बूट स्पेस थर्ड रो को फोल्ड डाउन करने के बाद, एंड सेकंड रो को फोल्ड डाउन करेंगे तो उधर आपको मिलता है 692 लीटर्स का बूट स्पेस, कुछ ऐसा दिखता है इसका बूट सारी रोज को डाउन करने के बाद। और यहाँ पे कोई इमरजेंसी एग्जिट बटन का फीचर नहीं मिलता, यहाँ मिलता है आपको एक ग्रैब हैंडल, और यहाँ पे है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन, उसके साथ में है दो लाइट्स लाइसेंस प्लेट के लिए जो मिलती है आपको हेलोजन बल्ब में। आइए इसका रियर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं। यहाँ पे मिलती है आपको ब्लैक कलर की डोर पैडिंग और ब्लैक इंटीरियर थीम मिलता है आपको एक्सेल 6 गाड़ी में। हमें लेगा आपको क्रोम इनसाइड डोर हैंडल, लॉक एंड लॉक बटन, पावर विंडो का स्विच, बिग साइज के साथ मिलती है आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस रियर डोर्स पे। डोर माउंटेड आर्मरेस्ट मिलता है आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, दो पॉकेट मिलती है आपको चारों डोर्स पे, 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ बढ़िया फीचर। ये इसका स्पीकर, इसका प्लेट्स आप एसेसरी में लगवा सकते हैं। और यहाँ मिलती है आपको सेकंड रो में कैप्टन सीट, जो आती है 1 टच रिक्लाइन एंड स्लाइड फीचर के साथ। यहाँ मिलता है आपको लेदर इंसर्ट के साथ फैब्रिक सीट अपोस्ट्री का फीचर, लेदर सीट्स का फीचर मिलता है आपको टॉप वेरिएंट के साथ ही। यहाँ पे मिलता है आपको वॉइस स्टिचिंग का काम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जो मिलता है आपको सेकंड रो में, इंडिविजुअल आर्मरेस्ट मिलते हैं आपको कैप्टन सीट्स पे, बढ़िया फीचर। आइए इसका अदर साइड डोर खोल के देखते हैं। ड्राइवर सीट बिल्कुल आगे है एंड पैसेंजर सीट बिल्कुल पीछे, ये है मैक्सिमम लेग स्पेस, एंड सेकंड रो की सीट्स बिल्कुल पीछे, ये है मिनिमम लेग स्पेस। सीट बैक पॉकेट का फीचर मिलता है आपको ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट के पीछे, एंड हम की बात करें तो कुछ इतना हम मिलता है आपको मिडल सेक्शन में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट, उसके नीचे मिलेगी आपको स्पेस। सेकंड रो की कैप्टन सीट्स को आप इस तरीके से स्लाइड कर सकते हैं, एंड रिक्लाइन के लिए मिलता है आपको यहाँ पे एक लीवर, उधर से आप कर पाएंगे रिक्लाइन इस लीवर के थ्रू। रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल का फीचर मिलता है आपको सेकंड रो में, कोटुक का फीचर नहीं मिलेगा आपको एक्सेल 6 में। यहाँ मिलेंगे आपको चार रूफ वेंट्स, इसकी फैन स्पीड आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, इधर से ऑफ भी कर सकते हैं। राइट हैंड साइड ग्रैब हैंडल, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट का फीचर मिलता है आपको इधर, और एक ग्रैब हैंडल मिलेगा आपको फ्रंट पैसेंजर साइड पे, और कुछ ऐसा दिखता है इसका फ्रंट डैशबोर्ड लुक सेकंड रो से। और ब्लैक इंटीरियर थीम मिलती है आपको, स्पोर्टी ब्लैक इंटीरियर थीम मिलेगी आपको एक्सेल 6 गाड़ी में। आइए इसके थर्ड रो में चलते हैं। थर्ड रो में जाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से इसको रिक्लाइन करना पड़ेगा और स्लाइड करना पड़ेगा, ऐसे स्लाइड हो जाएगा और थर्ड रो में आप जा सकते हैं। कुछ ऐसे दिखते हैं इसकी थर्ड रो की सीट्स, ये है मिनिमम लेग स्पेस और ये है मैक्सिमम लेग स्पेस। ये सीट बिल्कुल आगे है, आप देख सकते हैं। और यहाँ मिल जाती है आपको एक रीडिंग लाइट सेकंड एंड थर्ड रो के बीचों बीच हेलोजन बल्ब के साथ। यहाँ मिलता है आपको फिक्स कैब हैंडल, सेकंड रो में मिलेगा आपको रिट्रैक्टेबल, कुछ इतने साइज की मिलती है आपको विंडो, कप होल्डर, यहाँ पे मिलता है आपको हार्ड प्लास्टिक सीट बेल्ट फॉर द थर्ड रो। ये है इसका बूट स्पेस, थर्ड रो से कुछ ऐसा दिखता है इसका बूट, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको सीट बेल्ट, फिक्स कैब हैंडल, फिक्स विंडो मिलती है कप होल्डर फीचर के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको हार्ड प्लास्टिक, एंड थर्ड रो में मिल जाता है आपको 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट, बढ़िया फीचर जो आपको तीनों रोज में मिलता है। एंड बाहर जाने के लिए आपको इसको रिक्लाइन करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, एंड थर्ड रो की सीट्स पे मिलता है आपको रिक्लाइन का फीचर, स्लाइड का फीचर नहीं मिलेगा। ये है मैक्सिमम एंड मिनिमम, कुछ इतना आप मैक्सिमम कर पाएंगे इस लीवर के थ्रू आप रिक्लाइन कर सकते हैं, ये है मैक्सिमम। स्लाइड का फीचर मिलता है आपको फर्स्ट एंड सेकेंड रो की सीट्स पे, और कुछ ऐसे दिखते हैं इसकी 3D LED टेल लैंप्स विद लाइट गाइड फीचर, कुछ ऐसे दिखेगी रियर प्रोफाइल लुक। ये है लाइट गाइड का फीचर जो मिलता है आपको एक्सेल 6 गाड़ी में ही, अर्टिगा में नहीं मिलेगा। रात के टाइम कुछ ऐसी ग्लो करेगी लाइट्स जो लगते हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार, आप देख सकते हैं रियर प्रोफाइल से। और ये है इसकी ब्रेक लाइट, और ऐसे दिखते हैं इसके LED DRLs ऑन होने के बाद, रात के टाइम कुछ ऐसे ग्लो करेंगे ये। टोटल 7 LED DRLs मिलते हैं आपको इधर क्रोम इंसर्ट के साथ, आप देख सकते हैं। उसके ऊपर मिलता है आपको क्वाड चैम्बर LED हेडलैम्प्स का फीचर जो मिलते हैं आपको मल्टी रिफ्लेक्टर्स के साथ। ये है लो बीम प्रोफाइल और ये है हाई बीम प्रोफाइल इन क्वाड चैम्बर LED रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स की, जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट मिलते हैं आपको नाइट टाइम पे। कुछ ऐसे दिखते हैं इसकी कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल लुक, काफ़ी अच्छा थ्रो मिल जाता है आपको इन क्वाड चैम्बर LED हेडलैम्प्स पे। एंड फॉग लैम्प की बात करें तो वो भी आपको मिलते हैं LED में, ऑन होने के बाद कुछ ऐसे लगते हैं वो। यहाँ पे मिलता है आपको क्रोम इंसर्ट, आप देख सकते हैं इनका भी थ्रो काफ़ी बढ़िया मिलता है आपको। एंड इसकी वारंटी की बात करें तो यहाँ मिल जाती है आपको टोटल 2 ईयर्स या 40,000 किलोमीटर्स की वारंटी, जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं अप टू 4 और 5 ईयर्स। 21 अगस्त 2019 को सबसे पहले लॉन्च हुई थी मारुति सुजुकी एक्सेल 6 इंडिया में, एंड बहुत ही जल्द इसका एक्सेल 7 वर्जन भी लॉन्च होने वाला है, जो है 7 सीटर वेरियंट, जो करंटली सेल होता है इंडोनेशिया, मैक्सिको एंड थाईलैंड जैसी कंट्रीज में। उसका नाम है एक्सेल 7,
एक्सएल स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा लार्ज और इसकी असेंबली होती है दो जगह, गुड़गांव हरियाणा इंडिया एंड बेकसी इंडोनेशिया। एंड एक्सएल सिक्स को डिज़ाइन किया है मासायुकी इशिवाता ने और इसका प्लेटफॉर्म मिलता है आपको हार्डटेक लाइक अदर मारुति कार्स। सिक्स कलर ऑप्शन मिलते हैं आपको इधर, नेक्सा ब्लू, ब्रेव खाकी, ऑबन रेड, मैग्मा ग्रे जो आप सामने देख रहे हैं, प्रीमियम सिल्वर एंड आर्टिक वाइट जैसे कलर ऑप्शन। एंड एक्सएल सेवन के साथ आपको ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन का भी फीचर देखने को मिल जाएगा जो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर और एंड ऑफ दिस ईयर। और यहाँ मिलती है आपको दो रिमोट कीज लॉक अनलॉक बटन के साथ, पीछे मिलता है आपको सुजुकी का लोगो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, ऑटो फोल्डेबल ओआरवीएम्स का फीचर मिलेगा आपको टॉप वेरिएंट के साथ ही जो इधर देखने को नहीं मिल रहा, एक क्वेश्चन का फीचर मिलता है आपको फ्रंट टू डोर्स पे, स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है आपको इधर, कुछ ऐसा मिलता है आपको इसका ड्राइवर साइड डोर और ब्लैक डोर पैडिंग के साथ, यहाँ पे मिल जाएगा आपको क्रोम इनसाइड डोर हैंडल, लॉक अनलॉक बटन एंड फ्रंट टू डोर्स पे मिलता है आपको स्टोन फिनिश गार्निश का काम जो लगता है काफी ज्यादा शानदार, उसके ऊपर मिलता है आपको सिल्वर एक्सेंट, यहाँ पे मिलेगा आपको ट्विटर, ये है इसका स्पीकर, फ्रंट में पॉकेट 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ, हार्ड प्लास्टिक के साथ मिलता है आपको डोर माउंटेड आर्मरेस्ट, स्टोरेज स्पेस, पावर विंडो के स्विचेस, ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का फीचर मिलेगा आपको ड्राइवर साइड विंडो पे ही। और यहाँ पे मिलते हैं आपको ORVM के कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड ट्रैक कर पाएंगे आप इस बटन से। और कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर ड्राइवर साइड से, स्पोर्टी ब्लैक इंटीरियर मिलता है आपको एक्सएल सिक्स गाड़ी में, सॉफ्ट टच प्रीमियम रूफ लाइनिंग का फीचर मिलता है आपको इधर, और यह है इसका कैबिन लुक, सिक्स सीटर कॉन्फ़िगरेशन सेटअप मिलता है आपको एक्सएल सिक्स में, काफ़ी जल्दी इसका एक्सएल सेवन वर्जन भी लॉन्च होने वाला है इंडिया में। और यहाँ पे भी आपको स्टोन फिनिश गार्निश का काम देखने को मिल जाएगा जो डोर पैडिंग पे देखने को मिल रहा था सिल्वर एक्सेंट के साथ, यहाँ पे मिलता है आपको क्रोम इंसर्ट, इधर से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं एसी वेंट को, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन क्रोम रिंग फीचर के साथ, और यह है इसका स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम, इधर से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं हेडलैम्प बीम एडजस्टर नॉब, पैडल पोजिशनिंग, और यहाँ पे मिलता है आपको स्टोरेज स्पेस अपना वॉलेट या कॉइन्स रखने के लिए, डेड पेडल का भी यहाँ पे आपको फीचर देखने को मिल जाएगा, यहाँ से खोल सकते हैं आप इंजन बोनेट को इस लीवर के थ्रू, यहाँ से खोल सकते हैं आप फ्यूल लेट को, और यहाँ मिलती है आपको टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन इधर, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर मिलता है आपको इधर, इधर से कर सकते हैं आप एडजस्ट रिक्लाइन के लिए, और यहाँ से कर सकते हैं आप स्लाइड, फैब्रिक सीट अपोस्ट्री मिलती है आपको लेदर इंसर्ट के साथ जीटा वेरिएंट में, लेदर सीट्स का फीचर मिलता है आपको टॉप वेरिएंट के साथ ही, कुछ ऐसे दिखते हैं इसकी सीट्स, आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। और कुछ ऐसा व्यू मिलता है आपको ड्राइवर सीट से और ब्लैक स्पोर्टी इंटीरियर्स का जो मिलता है आपको स्टोन फिनिश गार्निश विद सिल्वर एक्सेंट्स के साथ, फ्लैट बॉटम डिजाइन के साथ मिलता है आपको इसका थ्री स्पोक पावर स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप मिलता है आपको टॉप वेरिएंट के साथ ही, थंब कंट्रोल का फीचर मिलेगा आपको इधर, सैटिन क्रोम फिनिश मिलता है आपको इधर, सुजुकी का लोगो, ये इसका हॉर्न, सैटिन क्रोम फिनिश का काम इधर भी देखने को मिल जाएगा आपको, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स पे, ये है वॉल्यूम के कंट्रोल्स आप देख सकते हैं, ये है मोड का बटन और ये है म्यूट का बटन, यहाँ पे मिलते हैं आपको क्रूज कंट्रोल्स राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे भी सैटिन क्रोम फिनिश का काम है, इधर मिलते हैं आपको कॉलिंग कंट्रोल्स, वॉइस कमांड का फीचर मिलता है आपको इधर, इधर से आप वॉइस कमांड दे पाएंगे, टेल स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का फीचर मिलेगा आपको इधर, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता आपको एक्सएल सिक्स गाड़ी में, एंड राइट हैंड साइड लीवर पे मिलते हैं आपको लाइट एंड इंडिकेटर के कंट्रोल्स, और यहाँ पे है फॉग लैंप के कंट्रोल, यहाँ पे है वाइपर एंड वॉशर के फॉर द फ्रंट एंड रियर सेक्शन, आई गाड़ी को ऑन करके देखते हैं, राइट हैंड साइड पे मिलता है आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और इधर मिलता है आपको MID विद कलर TFT का फीचर, कुछ ऐसा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गाड़ी को ऑन करने के बाद, लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है आपको RPM मीटर, उसके बीच मिलेगा आपको टेम्परेचर मीटर, ये है स्पीडो मीटर, उसके बीच मिलेगा आपको फ्यूल मीटर, बीच में मिलता है आपको MID, यहाँ पे मिलते हैं आपको दो नॉब, इधर से आप एक्सेस कर पाएंगे ड्यूअल ट्रिप मीटर्स को, और इधर से आप एक्सेस कर पाएंगे वेरियस इन्फॉर्मेशन को जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको इधर, स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको इस MID पे, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिलता है आपको डिजिटल टाइम का फीचर, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले और ये टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स, इको ड्राइव इल्यूमिनेशन का भी फीचर मिलता है आपको इधर जो मिलता है आपको इधर, ऐसे कुछ फिनिशिंग मिलती है आपको इसी विंड्स पे जो मिलते हैं आपको ब्लैक कलर में, आप देख सकते हैं, यहाँ मिलती है आपको स्टोन फिनिश गार्निश सिल्वर एक्सेंट के साथ, और यह है इसका ग्लव बॉक्स, कुछ इतना आपको स्पेस मिलता है इस ग्लव बॉक्स में, कूल ग्लव बॉक्स का फीचर नहीं मिलता आपको इधर, और यहाँ पे भी आपको फ्रंट में पॉकेट स्पीकर ट्विटर का फीचर मिलेगा पैसेंजर साइड डोर पे, ये बैक की बैजिंग, पैसेंजर साइड सन वाइजर पे मिल जाता है आपको वैनिटी मिरर का फीचर, ये है ब्लूटूथ माइक, यहाँ पे मिलेंगे आपको दो रीडिंग लाइट्स हैलोजन बल्ब में, सनग्लास होल्डर, RVM मिलता है आपको एडजस्टेबल, और ये ड्राइवर साइड सन वाइजर, यहाँ पे मिलता है आपको टिकट होल्डर का फीचर, ये है इसका डैशबोर्ड लुक, कुछ ऐसा बोनेट व्यू मिलेगा आपको ड्राइवर सीट से, और इधर देखने को मिल जाता है आपको 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो टच स्क्रीन सिस्टम जो सपोर्ट करता है वेरियस फीचर्स को लाइक एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, USB, रेडियो, ऑक्स, वॉइस कमांड सिस्टम एंड स्मार्ट प्ले स्टूडियो एप्लीकेशन को,
स्मार्ट प्ले स्टूडियो एप्लीकेशन के थ्रू आप कई सारे फीचर्स पा सकते हैं, लाइक नेविगेशन सिस्टम विद लाइव ट्रैफिक, रिमोट कंट्रोल भी कर पाएंगे आप, और इधर से आप कई सारी सेटिंग्स भी कर सकते हैं। कई सारी सेटिंग्स के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। ये टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है आपको ऑल्टो गाड़ी से लेके एक्सेल 6 गाड़ी तक। हर मारुति की गाड़ी में यही टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिलता है आपको। ये है व्हीकल अलर्ट्स, इधर से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये है स्मार्टफोन लिंक के जो ऑप्शन, यहाँ पे मिलते हैं आपको टोटल 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स। रिवर्स पार्किंग कैमरा का फीचर मिलता है आपको टॉप वेरिएंट के साथ ही। ये है इसका हैजार्ड लाइट का बटन, और यहाँ मिलता है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। टोटल 8 AC विंड्स मिलते हैं आपको, आगे मिलेंगे आपको 4, सेकेंड रो में मिलते हैं आपको 4, उधर से आप फैन स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। इधर मिलती हैं आपको 3 स्पीड्स, यहाँ पे मिलते हैं आपको 4 रूफ वेंट्स। थर्ड रो में रूफ वेंट्स का फीचर नहीं मिलता आपको अर्टिगा या एक्सेल 6 गाड़ी में, इधर से ऑफ भी कर सकते हैं आप। मिनिमम टेम्परेचर मिलता है आपको 18 डिग्री का, और ये इसके मोड्स। और यहाँ मिल जाता है आपको 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट, तीनों रोज में मिलता है आपको। उसके साथ में है USB एंड ऑक्स के पोर्ट राइट हैंड साइड पे, स्टोरेज स्पेस। और यहाँ मिलता है आपको एयर कूल्ड ट्विन कप होल्डर का फीचर, इधर से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं कूलिंग इफेक्ट को जो आपको मिलते हैं इधर से, बढ़िया फीचर। ये इसका 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, 4 स्पीड ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है, हैंड ब्रेक क्रोम टिप के साथ। और यहाँ पे भी आपको सैटिन क्रोम फिनिश का काम देखने को मिल जाएगा दोनों साइड। और यहाँ मिलता है आपको फ्रंट आर्मरेस्ट लेदर फिनिश के साथ जो है स्लाइडेबल, इसको खोलेंगे तो मिलती है आपको कुछ इतनी स्टोरेज स्पेस जो ठीक ठाक है। एंड ड्राइवर साइड विंडो की बात करें तो ऑटो अप या ऑटो डाउन का फीचर मिल जाता है एंटी पिंच फीचर के साथ, इधर से आप वन टच से अप या डाउन कर सकते हैं। ये है मास्टर की लॉक अनलॉक बटन, और इधर से आप कर पाएंगे ORVMs को एडजस्ट इस जॉयस्टिक के थ्रू। और उसके पीछे मिलता है आपको बटन रिट्रैक्ट के लिए, बढ़िया फीचर। स्मार्ट हाइब्रिड के साथ मिलते हैं आपको 3 फीचर्स, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन एंड टॉक असिस्ट ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। और कुछ इतना आपको NVH लेवल मिलता है एक्सेल 6 गाड़ी में। रिवर्स गियर लगाने पे आपको MED पे इंडिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है आपको टॉप वेरिएंट के साथ ही। ये है इसका NVH लेवल, आप सुन सकते हैं। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है गाड़ी को बंद करने के बाद। डोर अजार वार्निंग का फीचर मिलता है आपको MID डिस्प्ले पे एंड RPM मीटर पे। एग्जैक्ट डोर वार्निंग का फीचर मिलता है आपको इधर। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इधर मिल जाती है आपको 45 लीटर्स की, एक बारी में आप 45 लीटर्स का पेट्रोल डलवा सकते हैं एक्सेल 6 गाड़ी में। और यहाँ मिलती है आपको डैम्पिंग फॉर बेटर इंसुलेशन। और यहाँ पे मिलता है आपको 1.5 लीटर K15B स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, 4 सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करता है 103 BHP की पावर 138 Nm टॉर्क के साथ। कंपनी माइलेज क्लेम करते हैं 19.01 की फॉर द मैनुअल एंड 17.99 फॉर द ऑटोमेटिक। अवेलेबल है 5 स्पीड मैनुअल या 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। और यही सेम इंजन देखने को मिल जाता है विटारा, ब्रेजा, सियाज, एसक्रॉस, एनआरटिका जैसी गाड़ियों में। तो कैसी लगी आपको मारुति सुजुकी XL6? आपके हिसाब से कौन सा वैल्यू फॉर द मनी मॉडल है कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए।